मम्मी मम्मी सुन रही हो? मैं बाल संस्कार शाला जा रहा हूँ। हाँ हाँ जा बेटा जा जा। बाय मम्मी। माँ सुन रही हो? मैं भी बाल संस्कार शाला जा रही हूँ। अरे तू अभी ही जा रही है? देख तो घर का कितना सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? सुबह से करते करते तो मेरी कमर टेढ़ी हो चुकी है। समय से कार्य करने पर अच्छे आदमी बनोगे, इसलिए मुझे जाने दो माँ। अरे तो पहले काम तो कर दो, उसके बाद चले जाना। पहली कमाया का लाख कमाना बनेगी, तुझे तो एक दिन ससुराल ही जाना है। चलो काम को पहले, उसके बाद जाने दो। आ जाने तो पापा से, तेरी शिकायत करूंगी और कहूंगी इतना तो तू मेरा बात मानती है और ना ही कोई काम करती है। नहीं माँ प्लीज मुझे जाने दो, देर हो रही है। पापा का प्रवेश होता है। बेटा क्या हुआ, क्या बात है, तुम अभी तक संस्कार शाला नहीं गई हो? पापा देखिए ना, मम्मी मुझे बाल संस्कार शाला जाने नहीं दे रही। प्लीज पापा मम्मी को कहिए ना कि मुझे बाल संस्कार शाला जाने दे। अभी तुम मम्मी मना की है, रुको मां से बोलता हूँ। क्यों जी, क्यों नहीं जाने दिया अभी इसे बाल संस्कार शाला? देखिए ना जी, ये तो एक तो बहुत हो गई है, ना तो कोई काम करती और ना ही मेरी बात मानती है, तो मैं कैसे इसे जाने दूँ? तो क्या हुआ भगवान, तुम्ही तो कही थी ना एक दिन जब से यह बाल संस्कार शाला जा रही है तब से इसमें संस्कार और सुबुद्धि आ रही है, और तो और यह पढ़ने भी बहुत ध्यान दे रही है, तो फिर क्यों नहीं जाने दे रही हो इसे बाल संस्कार शाला? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी बेटी संस्कारी होते जा रही है, संस्कारी होते जा रही है। जाओ बेटा जाओ, तुम बाल संस्कार शाला जाओ, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मना करूंगी। अब खूब मन लगा कर पढ़ना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। मम्मी मुझे तो बाल संस्कार शाला जाने दो। जा